subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं विटामिन ए, बी और सी से भरपूर गोंगुरा के बारे में, जो कि बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। आज इस एपिसोड के माध्यम से पूर्णतः इसी बारे में जानेंगे। पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य देखें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद एपिसोड होने वाला है। मेथी, पालक, बथुआ जैसी पत्तेदार सब्जियों से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम सभी जानते हैं एक ऐसी पत्तेदार सब्जी के बारे में जिसके बारे में उत्तर भारत के लोग संभवतः कम ही जानते होंगे। यह पत्तेदार सब्जी है गोंगुरा। यह मूलतः दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में खूब पाई और खाई जाती है। इसे कई लोग मत्था भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर गोंगुरा हड्डियों को मजबूत रखती है। दक्षिण भारतीय राज्यों में गोंगुरा का भोजन में इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। एक तो इसकी आसान उपलब्धता, सस्ता होना और साथ ही साथ सेहत के लिए काफी लाभदायक होने के कारण गोंगुरा गरीब से लेकर अमीर तक बड़े चाव से खाते हैं, और यह केवल आंध्र प्रदेश या तेलंगाना तक ही सीमित नहीं रही है। यह दक्षिण के अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कई क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। कर्नाटक में यह पुंडी के नाम से जानी जाती है, और इसे जोलदा रोटी, ज्वार की रोटी के साथ या फिर रागी मुड्डे, रागी के आटे से बनी हुई बालनुमा डिश के साथ खाते हैं। रागी कर्नाटक का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। तमिलनाडु में इसे पुलिच किराई के नाम से जाना जाता है, और वहाँ भी इसे रागी से बनी डिश यानी कि रागी कली, रागी मुड्डे का तमिल वर्जन है, इसके साथ खाया जाता है। महाराष्ट्र के भी दक्षिण से सटे इलाकों में यह अंबाड़ी के रूप में खाई जाती है। इस भाजी के कुछ एक और अन्य क्षेत्रीय नाम हैं: पिटवा, अंबाड़ भाजी, मेस्तापाट, खलापलंगा, नेलाइट साग और आमेली। इन नामों से ये अलग अलग स्थानों पर मिलती है। गोंगुरा गर्मियों की फसल है। इसके पत्ते खटास लिए हुए होते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसके पत्तों में खटास भी उतनी ही बढ़ती जाती है। गोंगुरा दो तरह की होती है, एक हरी डंठल वाली और दूसरी लाल डंठल वाली। लाल रंग की गोंगुरा में हरी गोंगुरा की तुलना में ज़्यादा खटास होती है, इसीलिए लाल गोंगुरा का इस्तेमाल चटनी अचार में ज़्यादा किया जाता है। लाल गोंगुरा ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। गोंगुरा का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। इससे शाकाहारी चीजें भी बनाई जाती हैं और मांसाहारी चीजें भी। शाकाहारी में सबसे प्रचलित है गोंगुरा पचड़ी यानी कि गोंगुरा चटनी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले गोंगुरा की पत्तियों को सूखी लाल मिर्च, खड़ा धनिया, मेथी के दाने और लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से पीस लिया जाता है। इस मिश्रण को चना दाल, उड़द दाल, सरसों और मेथी के दानों के साथ लाल मिर्च और करी पत्तों के साथ तड़का लगा दिया जाता है। यह चटनी खट्टा स्वाद लिए हुए होती है, जिसे चावल, कर्ड राइस या फिर चपाती के साथ खाया जाता है। सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। चटनी के अलावा गोंगुरा दाल भी बनाई जाती है, जिसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में गोंगुरा पप्पू कहा जाता है। गोंगुरा से कई तरह के अचार भी बनाए जाते हैं, जिसमें पुल्ला गोंगुरा यानी कि गोंगुरा और लाल मिर्च और पुलिहरा गोंगुरा यानी कि गोंगुरा और इमली काफ़ी प्रचलन में वहां पर हैं। गोंगुरा का इस्तेमाल कई तरह की आपको डिशेज में मिल जाता है, जो फायदेमंद होती है। चलते चलते गोंगुरा के सेहत संबंधी फायदों की बात भी कर लेते हैं। यह विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर होती है। इस वजह से यह आँखों, त्वचा के लिए काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि हमारी आँखों को सुरक्षित रखती है, रोशनी बढ़ाती है, साथ ही साथ त्वचा को जवां बनाए रखती है। पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होने की वजह से इसका नियमित सेवन करने से बीपी को कंट्रोल रखती है और हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाने में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस वजह से हड्डियों को मजबूत बनाए रखती है। गर्मियों के दिनों में इसका सेवन करने से यह शरीर को ठंडा रखती है और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी करती है। मट्ठे में इसका रस मिला करके पीने से यह हाजमे की समस्या से भी निजात दिलवाती है, यानी कि अगर आपका हाजमा सही नहीं है तो उसको ठीक करने में मदद करती है। तो ये आज
आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर अवश्य दें, साथ ही साथ आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल हैं तो वो हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। अब मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।